दोस्त बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर एमसी स्टेन और शिव ठाकरे को अपने दोस्त अब्दू की काफी याद सता रही है। दरअसल बीते दिन अब्दू रोजिक भी लाइव में आए थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और लाइव आकर उन्होंने कहा था कि वो भी अपने दोस्त अपने भाई यानी कि एमसी स्टेन और शिव ठाकरे को काफ़ी मिस कर रहे थे, और इस दौरान वो एपिसोड भी देख रहे थे जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया। फैंस ने अब्दू को भर भर कर प्यार दिया। लेकिन इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में यहाँ पर स्टेन और जो शिव ठाकरे हैं वो भी अब्दू को मिस करते हुए कह रहे हैं कि यार अब्दू जब घर के अंदर रहता था तो सबका दिल लगा रहता था, वो सबके साथ जाकर थोड़ी थोड़ी देर में मस्ती किया करता था, और कई बार वो ये भूल जाता था कि कैमरे भी लगे हुए हैं, और वो हमारे साथ बॉयज टॉक भी करता था, उल्टी सीधी हरकत भी करता था जो कि मज़ा आते थे उसको देखकर, और कई बार उसे याद दिलाना पड़ता था कि यार अब्दिया ऐसे मत कर, कैमरे भी है, जिसके बाद वो कहता था कि चल ख़त्म ख़त्म, इस बात को ख़त्म करते हैं, और उसके मुंह से ये सारे शब्द सुनना काफ़ी अच्छा लगता था। वहीं दोस्तों इसके बाद में एम सी स्टेन ने भी कहा कि उन्होंने अब्दू से काफ़ी कुछ सीखा है, इसके साथ सलमान खान से भी उन्होंने काफ़ी कुछ सबक लिए हैं, काफ़ी बड़ी सीख मिली है उन्हें लाइफ में। दरअसल अब्दू से एम सी स्टेन ने यह सीखा है कि चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमेशा शांत रहना चाहिए, हर चीज़ का जवाब हम गुस्से और बड़ास से नहीं दे सकते, कई बार शांत रहकर भी हम सामने वाले को करारा जवाब दे सकते हैं। और अब्दू भी घर के अंदर ऐसा ही किया करता था, भले ही कोई कुछ क्यों ना कहे, अब्दू ने कभी किसी के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया था, और यही वजह है कि उन्हें हर कोई इतना चाहता है। फिलहाल दोस्तों आपको स्टेन और शिव की ये बातें कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, यदि आप भी इनके फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।